और दिखाई नहीं दे रहा होगा, रेत कितनी ज़्यादा है, करंट कितना ज़्यादा है। गंगा के पानी में अगर कोई भी बड़ी से बड़ी चीज़ भी इसके बीच में आ जाए तो टिक नहीं पाएगी। आप देखिए कि कैसा नज़ारा है, लोग यहाँ से चलते हुए निकल रहे हैं और हर तरफ केवल पानी ही पानी नज़र आ रहा हो कि पानी बह रहा है। उधर दूर बच्चे जो है वो स्नान कर रहे हैं, इतना ज़्यादा पानी ऊपर में भर आया है कि नदी के नीचे उतरना तो दूर की बात है और इस फुट ब्रिज पर खड़े रहना भी बहुत बड़ी बात हो गई है। आप तस्वीरों में देखिए, जो बैठने के लिए जगह बनाए गए थे, शेड्स बनाए गए थे, वो सभी पूरी तरह से डूब चुके हैं और गंगा में आपको कोई भी नाव बहुत दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही होगी क्योंकि पानी का जो लेवल है इतना ज़्यादा बढ़ गया है, फ्लो इतना ज़्यादा है कि रिस्क लेना बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। आप देखिए वहाँ पर जो बोट है वो भी रुकी हुई है और लोगों का जो आना जाना है इस रास्ते से वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, इस्तेमाल भी हो रहा है ये रास्ता, तो बिल्कुल नदी की तरह लोग नहाने के लिए इस जगह का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप देखिए यहाँ पर जो है बैरिकेटिंग जैसी भी बना दी गई है कि आप उधर उस पार ना जाएं। हालांकि यहाँ पर रेलिंग वगैरह बनी हुई है जो कि 5 मीटर करीब ऊपर बह रही है गंगा नदी आज, और लहर में जो है वो विलीन हो सकते हैं। बहुत ही विकराल रूप गंगा का, मैंने तो इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा था अपनी पूरी ज़िंदगी में, शायद आपने कभी देखा हो, लेकिन पहली बार मैं ऐसा नज़ारा देख रही हूँ और काफ़ी आश्चर्य करने वाला भयावह नज़ारा है कि गंगा मैया ने इतना विकराल रूप धर लिया है। बात अगर दियारा के इलाकों की करें तो आप दूर दूर तक पानी के अलावे कुछ और नहीं देख पा रहे होंगे, कितना ख़तरनाक नज़ारा है। पानी जो है वो ऊपर ऊपर से बह रहा है और जो खेत खलिहान है वो पूरी तरह से पीछे डूब चुके हैं। कहा जा रहा है कि इस पार जितने भी इलाके हैं, चाहे वो दानापुर का इलाका हो, हाजीपुर का इलाका हो, वहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है क्योंकि वाटर लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। गंगा के बहाव से ही आपको पता चल रहा होगा कि दियारा इलाकों का क्या हाल है। और ये कहा जा रहा है कि बिहार में जिन जिन इलाकों में गंगा बहती है, चाहे वो भागलपुर का इलाका हो, मुंगेर का इलाका हो, कहलगांव के इलाके में भी बहुत ज़्यादा पानी भर आया है क्योंकि गंगा में जो है बहाव बहुत ज़्यादा है और जो नदी है वो बहुत तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रही है। गंगा में जो जलस्तर के बढ़ाव की वजह से खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हर तरफ आपको केवल पानी ही पानी